Hello everyone and welcome back to Prime Time at the rate 9 PM at Ask MB YouTube channel, where we have started to revise your entire quant section for your CAT preparation 2024. So आज का टॉपिक हमारा लॉगरिदम है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था Ask MB के पेज पे कि भाई आज कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है. सो अमॉन्ग लॉगरिदम एंड आई थिंक मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डिमांडेड टू बी रिवाइज logarithm. All right, now this topic is from algebra. Algebra से दो बड़े टॉपिक आते हैं, दो या तीन बड़े टॉपिक आते हैं. एक आपका logarithm हो गया, एक functions हो गया, और एक sequence and series हो गया, जिसमें AP, GP और HP के questions आते हैं. Now these are the two most asked topic in CAT exam. हर साल इसका एक question तो देखा ही गया है. आई एम श्योर कि बच्चों ने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया क्योंकि टॉपिक इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार लॉजिक समझ गया लॉग्स को सॉल्व करने का, यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 3 marks फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज अलजेब्रा लॉगरिदम. ठीक है, सो लॉग्स पढ़ने के लिए थोड़ा बेसिक्स, दो तीन प्रॉपर्टीज है, टोटल 5-6 प्रॉपर्टीज है, लेकिन दो तीन फॉर्मूलाज है. तो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज दोनों अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको यूज किया दो तीन क्वेश्चन में, लॉग्स आपका आसान से हो जाएगा. ठीक है, तो ट्राई करती है थोड़ा प्रॉपर्टी समझने में. लॉग्स के प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको थोड़ा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल 1/a आपका क्या होता है, 1/a इज नथिंग बट a पावर माइनस 1. ये हमने बहुत बार यूज किया, 1/a इक्वल टू a पावर माइनस 1. जो भी a के पावर में होता है वो ऊपर जाके माइनस 1 होगा. ये आपका सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख के दे रहा हूं. सेकेंड, अगर आपका बेस कॉमन है a पावर m इंटू a पावर n, जब बेस कॉमन दिखता है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, a पावर m प्लस a पावर n. थोड़ा सा इसे मैं स्पीड में वीडियो को लेना चाहूंगा क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप इसे आराम से देख सकते हो देख के. थर्ड, अगर आपको बेस कॉमन है लेकिन उनका डिवीजन आ रहा है, ठीक है, तो सेम जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज की है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला a पावर m इंटू 1/a पावर n, मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, जो हमारा फर्स्ट का प्रॉपर्टी उसे अलग कर दिया, which is equal to, अब a power n जाएगा ऊपर, a power minus n बनेगा first वाला formula, right? तो ये होगा a power m into a power minus n, जो भी a के power में है वो ऊपर जाके minus बनने वाला है, so a power minus n. अब second formula use होगा, क्या है, base common होने पे powers का addition हो जाता है, so addition करने के बाद ये मिलेगा आपको a power n, तो minus है तो plus करके वो minus हो जाएगा, a power m minus n. ये हुआ थर्ड बेसिक फॉर्मूला. फोर्थ करेंगे, अगर मुझे पावर्स दिया है a पावर m ब्रैकेट पावर n, इसका क्या होगा, दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ये लिखना आपको a पावर m इंटू a पावर n विच इज इक्वल टू a पावर mn. अब ध्यान रखें कि भाई ये ऐसा नहीं है विच इज नॉट इक्वल टू a पावर m पावर n, ये अलग है, a पावर m टू द होल पावर n ये बात अलग है, और a पावर m और m की पावर n. Now these two sentences are different, so be careful. ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है. ये पावर का पावर है, तो पहले उसका पावर कर लो. और ये entire bracket का, ये base का पावर है, ठीक है? a पावर m का पावर n है. So थोड़ा ध्यान रखो, ये एक बेसिक आइडिया है, एक फिफ्थ फॉर्मूला तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ऐसा रूट में कुछ आ जाता है तो ये हम करेंगे, ये इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट है ना ये, तो इसे बोलेंगे हम लोग a पावर 1/2. वैसे ही अगर आपको ऐसा कुछ दिखा a पावर 4, तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम लोग, फोर्थ रूट ऑफ a. तो लिखने के लिए हम उसे सिंप्लीफिकेशन ऐसे करेंगे a पावर 1/4. ठीक है, नाउ दीज आर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज इन सर्ट्स एंड इंडेक्सेस. दिस प्रॉपर्टीज आल्सो गिवन इन द चैप्टर नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, इन द बोथ द टॉपिक्स दीज प्रॉपर्टीज आर गिवन. सो आई वांट यू गाइस टू लर्न एंड कीप देम इन माइंड व्हाइल यूजिंग योर लॉगरिथम कांसेप्ट. ठीक है, इसके बाद हम लॉग्स के प्रॉपर्टीज करेंगे. आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, वीडियो पॉज करो लेकिन इसको आराम से लिख लो क्या है. तो नेक्स्ट, इसके बाद आएंगे हम लोग लॉग्स के प्रॉपर्टीज पे, बेसिक प्रॉपर्टीज है. सबसे पहले इसे पढ़ेंगे कैसे वो भी पता होना चाहिए. पहला, लॉग ए एक्स, ऐसा लिख तो दिया है मैंने लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ने का तरीका सिंपल है. लॉग एक्स बेस ए, पूरे लॉग में हम निकालने क्या जाने वाले हैं, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? सो वी आर सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल प्रोनाउंस लॉग एक्स टू द बेस ए. ए मतलब इसका रेफरेंस हो गया. अगर आपने 12th क्लास में लॉग बुक कभी देखा होगा,
ऑफ कोर्स देखा ही होगा, तो ए का वैल्यू हम देखते थे, लेकिन यहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। पहला बेसिक रूल, लॉग एक्स टू द बेस ए को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसा लिखेंगे, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, यहां पे सिंपल लॉग लॉग अलग हो जाएगा। अब ये कहां पे यूज होगा, एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मैं, लॉग अगर ए और ए यहां पे दिया है, इसका मतलब क्या है, लॉग ए बेस ए, वैल्यू भी सम उसका बेस भी सम, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, वन। क्यों आएगा, यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए आपका मिलेगा, आपका वन सर वन, लॉग ए लॉग ए कैंसिल होगा, वन बचा, ठीक है। सेकेंड, अब बात करते हैं इसके पावर्स की, एक्स कभी नॉर्मल होगा या उसके पावर्स में भी आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट लॉग ए एक्स टू द पावर फॉर एग्जाम्पल थ्री, तो थ्री कहां पे आने वाला है, थ्री लेते हैं या तो उसको यही कर देते हैं हम लोग, लेट्स से दैट इज पावर टू बी के। इफ इट इज गिवन दैट लॉग एक्स टू पावर के बेस ए, सो ये के आएगा आपका आगे, एक्स के पावर में जो भी है उसे उठा के आपको लाना है आगे, सो ये बनेगा लॉग ए एक्स, के हट गया। सिमिलरली अगर आपको लॉग के बेस में पावर दिख जाए तो क्या होगा, यहां पे क्या हो रहा था, एक्स के पावर में, लेकिन यहां पे क्या दिखा आपको, ए के पावर में, बेस के पावर में, तब भी डरने की चीज नहीं है, ये भी के बाहर ही आएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल बन के वन बाय के, सो बचा गया अपना लॉग ए एक्स, ये आएगा आपका आगे। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, यहां पे 1 बाय के है, तो के को हम माइनस के कर सकते हैं ऊपर जाके, के पावर माइनस वन, और यहां पे जो भी होता है वो यहां पे आएगा आपका, सिंपल है। सो के एक्स के पावर में 1 बाय के भी कर सकते हैं हम लोग, अगर एक्स का पावर आगे आ सकता है तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये एक्स के पावर में भी जा सकता है, दोनों चीजें वाइस एंड वर्सा है, तो देख के घबराना नहीं है। कभी अगर उल्टा अगर पूछा गया कि भाई यहां का पावर कहां गया, हो सकता है आपने एक्स को उसे दे दिया, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। फोर्थ, ये हो गया आपका पावर्स का, फॉर एग्जाम्पल जब जिस एक्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्स यहां पे है ही नहीं, वो एक्स गया आपका बेस में और यहां पे कोई दूसरा नंबर है। अब मैंने तो बोला जब एक्स यहां पे होगा तभी ये सॉल्व होगा, लेकिन इस टाइप में तो क्वेश्चन लॉग गया आपका बेस में गया आपका एक्स, तो इस एक्स को मुझे चेंज करना होगा, अगर यहां पर लाना होगा तो इसे चेंज करने का तरीका क्या है, दिस इज इक्वल टू, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वन अपॉन लॉग ऑफ ए एक्स, इसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए एक्स। अब क्यों होगा ये, पहला वाला फॉर्मूला क्या है, पहले वाले फॉर्मूले से ये क्या बनेगा, लॉग ए अपॉन लॉग एक्स, उसके हिसाब से उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल ही तो है इसका, ठीक है। आगे ये पूरा इसे कंसिडर करेंगे वन अपॉन ए, ये पूरा अगर एक टर्म है तो इंडाइसेस वाला रूल क्या था अपना, वन अपॉन ए ऐसा कुछ दिखा तो ए पावर माइनस वन होगा ये, तो ये वैसे तो है लॉग ए एक्स पावर, ये तो उल्टा हो जाएगा log a x पावर माइनस वन, ठीक है। ये पूरा हमने वन अपॉन ए कंसिडर किया। नेक्स्ट, अगर ये माइनस वन पूरे log का माइनस है पावर है, इसका मतलब ये किसका पावर है, x का पावर है, तो बस दे दो इसे x को, तो ये बनेगा आपका log a x पावर माइनस वन, ठीक है। आगे x के पावर में जो भी होता है यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड दैट विल कम आउट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ log, सो ये बनेगा माइनस लॉग ए एक्स। तो पूरा ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर लॉग ए एक्स दिया है तो इसका फाइनल वैल्यू होगा आपका माइनस लॉग ए। अब मैं ये हटाने जा रहा हूं, अगर किसको लिखना है तो ये स्क्रीनशॉट लेके लिखे, लेकिन ये इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से मुझे बस ये फॉर्मूला देना है आपको, क्या है लॉग ए एक्स अगर ऐसा दिया है तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए नीचे एक्स ऊपर, ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। आई होप यू आर गेटिंग माय टर्म्स, जो भी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजी है, यही प्रॉपर्टियां हम एक क्वेश्चन लेंगे कैट के बुक में से, बहुत इजी बोल सकते हो डिफिकल्ट बोल सकते हो, लेकिन हमें ये सीखना है कि भाई प्रॉपर्टी यूज कैसे होगा, ठीक है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी बनी आपकी लॉग एक्स ए इक्वल टू माइनस एक्स ए लॉग ए। अब ये चार पांच प्रॉपर्टी है, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉपर्टी होती तो हम याद करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि भाई फॉर्मूला कौन सा है। ये थे आपके बेसिक प्रॉपर्टीज, अब दो तीन फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले लॉग ए एक्स प्लस लॉग बेस और वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी आपको बेस कॉमन दिखे, कुछ नहीं करना है, जब भी आपको बेस कॉमन दिखे तो जो भी लॉग का वैल्यूज है उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो,
ये बनेगा आपका log a x y। अब ऐसे नहीं बोलना है कि आपने log a कॉमन लिया है, नहीं, दोनों log की वैल्यू है तो उसे हम ऐड कर सकते हैं और इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे x y हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी विल कम आउट एज a पावर x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना, ये a के पावर में नहीं है y, ये आपका बेस है, लिखते लिखते ऐसा हो सकता है, सो बी केयरफुल, प्लीज राइट इट नीट एंड क्लीन। मैंने a के पावर में नहीं लिखा, दिख रहा है कि a के पावर में, शायद दिख रहा है, तो नीचे ले लेते भाई, यहाँ पे कर दो। सो ये log का बेस है, विच इज इक्वल टू log a x by y, a x upon y, ये सिंपल चीज है, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब तक हमने किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी फॉर्मूले में लॉग्स कैसे हटेगा इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी, लेकिन थर्ड वाला और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसके बाद आपका लॉग सॉल्व होगा, क्योंकि हमने किसी भी फॉर्मूले में ये नहीं देखा कि भाई x का वैल्यू निकलेगा कैसे, अभी निकल जाएगा। थर्ड, इफ लॉग ए एक्स इज इक्वल टू, आपको मिला फॉर एग्जाम्पल m करते हैं यहां पे, क्योंकि k हमने ऑलरेडी यूज किया पावर्स की जगह। So, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे log x बेस a इक्वल टू m, यहां से क्या करना है आपको डायरेक्टली, देन x इज इक्वल टू, यहां पे जो भी है वो x इज इक्वल टू, x इक्वल टू ये जो बेस था ये जाएगा आपका राइट साइड में, और राइट साइड में जो भी था वो जाएगा a के पावर में, ठीक है। क्या क्या मैंने एक बार फिर से बताता हूं, log x बेस a इक्वल टू m, ये वाला आपका फाइनल फॉर्मूला होगा जहां से आपको लॉग हटेगा। इस इक्वेशन में कहीं पे लॉग दिख रहा है आपको, फिर से लॉग मत लेके आना यहाँ पे, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी टर्म है वो आएगा सीधा सीधे यहाँ पे, अभी इस केस में यहाँ पे एक्स है, हो सकता है वहां पे इक्वेशन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी है दैट टर्म इज इक्वल टू, वो पूरा उठाओ, इज इक्वल टू बेस जो भी था वो जाएगा राइट साइड में, तो गया आपका ए राइट साइड में एज इट इज, यहाँ पे नंबर ही होगा और उस नंबर के पावर में जाएगा जो भी राइट साइड में ऑलरेडी था। अब क्या था यहां पे था माइनस, सॉरी यहां पे m था राइट साइड में, m गया a के पावर में, तो यहां पे फाइनल फॉर्मूला क्या मिला मुझे, इफ log x a इज इक्वल टू m देन x इक्वल टू a पावर m। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज करेंगे जब भी हमें फाइनल वैल्यू निकालना है, उस टाइम पे ये नंबर यूज होने वाला है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इसका। सबसे पहले हमने इंडाइसेस सर्स एंड इंडाइसेस के बेसिक प्रॉपर्टीज देखे, जो भी हमें लॉग्स में यूज होने वाले यही है बेसिक प्रॉपर्टीज विच विल बी यूज इन द क्वेश्चंस ऑफ लॉग्स, देन दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम लॉगरिथम, एंड फाइनली वी हैव थ्री फॉर्मूलास टू बी यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉगरिथम। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी बाई टेकिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वांट section of CAD book. Now this is Ask MBA's CAD book. I am taking this question. Of course, this question is previous year question from CAD exam. For example, let's take question number 14. It is given as log base 2 5 plus log 3 a which is equal to 3 and log 5 4 a plus 12 plus log 2 b is equal to 3, then पूछा क्या है a plus b equal to, a plus b is equal to what, ठीक है। क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपने वो प्रॉपर्टीज सामने रखा है, सॉल्व करने के पहले प्रॉपर्टी सामने रख देना, इस क्वेश्चन में आप देख के कर सकते हो, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्ट क्लिक होने चाहिए कि भाई यही प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। सो दिया क्या है, log base 2 5 plus log 3 a equal to 3, log base 5 4a plus 12 plus log b base 2 is equal to 3, पूरा टर्म आपका 3 दिया है। देन पूछा है कि a plus b का वैल्यू क्या है, इसका मतलब a एंड b सॉल्व होने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्विंग बाय टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा इक्वेशन देख के थोड़ा सा शांति से देखो, क्या दिख रहा है आपको, log base 2 1 और ये पूरा एक इक्वेशन,
ये वाला, तो इसे हम x कंसिडर कर सकते हैं, तो फाइनल वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला log a x इज इक्वल टू m, तो यहां से क्या आता है आपका x इक्वल टू a पावर m, राइट, तो यही फॉर्मूला यूज होगा आपका, यहां पे x कौन सा आपका ये, सो ये आएगा आपका 5 प्लस log 3 a इज इक्वल टू, ठीक है, दैट टर्म इज इक्वल टू ये जो भी था 2 पावर 3 होगा, 2 पावर 3 तो आपको 8 आता है, राइट, ठीक है। अब यहां से क्या दिखा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दो, 5 माइनस होने वाला है, क्या बचेगा 3a इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3, फिर से यहां से फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, दो बार यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से आएगा a इज इक्वल टू 3 पावर 3, ये वाला 3 आएगा यहां पे और यहां पे जो 3 था ऊपर गया, सो a इक्वल टू निकला आपका 3 पावर क्यूब, 3 क्यूब इज 27, a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू वहां से निकालेंगे हम क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में b तो है नहीं, सो लेट्स सॉल्व सेकंड वन, यहां से भी आपको log 5 एंटायर टर्म इज इक्वल टू 3, तो फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा लास्ट वाला, सो दैट एंटायर टर्म दैट इज 4a प्लस 12 प्लस log 2b इज इक्वल टू 5 पावर 3, 5 पावर 3 इज 125, 5 का क्यूब 125, ठीक है, ये हो गया आपका 125 आ गया। उसके बाद क्या करना है, 4a और ये 12, 12 पहले वहां से हटा दो, तो ये 4a प्लस log 2b इज इक्वल टू 125 माइनस 12, ठीक है, यहां पे a का वैल्यू डाल देते हम लोग, a का वैल्यू डाल दो 4 इंटू 27 प्लस log 2b इज इक्वल टू 5 3 1 और ये बचा आपका 3, ये क्या होगा, प्लस log 2b इज इक्वल टू 113, देन यहां से मिलेगा आपको log 2, अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 113 माइनस 108 कितना बचेगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5, ठीक है, सो आगे मिलेगा आपको ये log 2b इज इक्वल टू 5, अब भाई यहां से तो नॉर्मल है ना, मैं थोड़ा ये साइड लिख देता हूं इसका, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेने से अच्छा मैं ये कर देता हूं, सो log 2 बेस log बेस log b बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहां से क्या मिलने वाला है मुझे, b का वैल्यू, सो b इज इक्वल टू 2 पावर 5, 2 पावर 5 मिला मुझे b का वैल्यू, अब भाई ऑप्शन में कुछ भी रहे, हो सकता है डायरेक्ट 27 और ये इसका मल्टीप्लिकेशन मिल गया, पूछा क्या है मुझे 27 प्लस 2 पावर 5, 2 पावर 5 इज, एडिशन कर लो, सो यहां से मिला आपको b इक्वल टू 2 पावर 5, इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, सो a प्लस b इज इक्वल टू 27 प्लस 2 पावर 5 इज 32, सो 27 प्लस 32 7 प्लस 2 9 एंड 2 प्लस 5 इज 59,